हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? अब मुनमुन का बर्थडे है आज, तो मैं मुनमुन के बर्थडे की तैयारी कर रही हूँ। लगभग 15 से 16 लोग आएंगे खाना खाने के लिए। डिनर प्लान किया है मैंने, तो उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं अभी मिक्स वेजिटेबल सब्जी बना रही हूँ। तो मैंने कैप्सिकम काट लिए, 2 कैप्सिकम ली थी मैंने, और ये स्प्रिंग ऑनियन है। स्प्रिंग ऑनियन मैंने काट के पानी में रख दिए हैं, उनसे बहुत आंसू निकल रहे थे। और ये फूल गोभी है, फूल गोभी को मैंने काट के अच्छे से गर्म पानी में डाल के और ड्राई कर ली, क्योंकि पानी रह जाता है तो फिर वो गीली गीली हो जाती है। और ये मिक्स वेज है, ये फ्रोज़न एक पैकेट लेके आई थी मैं, तो इसको अच्छे से गर्म पानी में ड्राई करके, इसमें कैरेट, कॉर्न और पीज़ है, और बीन्स सभी थोड़े थोड़े हैं। और ये अलग से मैं थोड़ा मटर भी लूँगी फ्रोज़न वाला, और आलू है, आलू मैं लगभग 2-3 लूँगी। और ये कढ़ाई मैंने चढ़ा दिए, इसमें ऑयल डाल दिया है, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। ऑयल चढ़ाने के बाद इसमें जीरा टेस्ट करने के लिए डाला कि ऑयल अच्छे से हीट हुआ है कि नहीं। उसमें जीरा डाल देंगे, जीरा डालने के बाद अच्छा, जब जीरा तड़कने लगेगा, जब जीरा अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, तो उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। ये 1 टेबल स्पून ही जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है मैंने, ज़्यादा जिंजर गार्लिक पेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। इसको अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इसको भुनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर गार्लिक की स्मेल रह जाती है तो सब्ज़ी में अच्छी स्मेल नहीं आती है। और मिक्स वेजिटेबल में थोड़ा कम ही डालेंगे। उसके बाद इसमें टर्मरिक पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर में 2 स्पून डाला है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है, रेड चिल्ली पाउडर ये डाला है। इसमें मैंने 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है, जिससे ताकि कलर अच्छा आए। ये देखिए एकदम रेड कलर हो गया है। इसके बाद इसमें सारी वेजिटेबल्स एक एक करके डाल देंगे। पहले कैप्सिकम डालेंगे, कैप्सिकम के बाद हम सारी सब्जी एक एक करके डाल देंगे। ज़्यादातर मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स ही लिए ताकि अच्छे से खाने में आए। और ये मैंने कैप्सिकम डाल दिए। इसके बाद हम डालेंगे ये स्प्रिंग ओनियन। स्प्रिंग ओनियन में पता नहीं क्यों, नॉर्मल तो वैसे अच्छा ही रहता है, बट इस बार बहुत तेज़ उसमें से स्मेल आ रही थी और मेरे आँखों से आंसू भी बहुत आ रहे थे, तो मैंने काट के अच्छे से इसमें पानी में डाल दिया था ताकि अच्छे से वॉश हो जाए। इसके बाद इसमें ये आलू और जो मिक्स वेजिटेबल है ये मैंने सब डाल दी थी। मिक्स वेजिटेबल के साथ ही मैंने आलू रख दिए थे ताकि अच्छे से इनका पानी ड्राई हो जाए। अगर गोभी और मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी में थोड़ा भाई पानी रह जाता है तो सब्ज़ी थोड़ी गीली गीली बनती है, और मुझे वैसी सब्ज़ी पसंद नहीं है, मुझे थोड़ी सूखी सूखी अच्छी लगती है सब्ज़ी। अब इसमें ये फूल गोभी डाल देंगे। इसका पानी बिल्कुल मैंने अलग कर लिया, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, तो फूल गोभी डाल देंगे। पहले मुझे लगा कि सब्ज़ी ज़्यादा हो जाएगी, पर फिर बाद में मैंने ये फूल गोभी बची हुई भी डाल दी थी, क्योंकि 15 लोगों के हिसाब से थोड़ी सूखी सब्ज़ी ज़्यादा लगती है। बनाते समय लगता है कि ये सब्ज़ी ज़्यादा है, बट बनने के बाद सब्ज़ी बहुत कम हो जाती है, इसकी क्वांटिटी ऐसा लगता है कि काफ़ी कम है। तो ये अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ये अच्छा कलर आ गया है टर्मरिक का, रेड चिली का। अब इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसको सब्ज़ी को खुला ही पकाएंगे हम, नहीं तो वो एकदम पानी पानी हो जाएगा। इसको सब्ज़ी को खुला करके पकाएंगे। अब 5 मिनट हो गए हैं, तो सब्ज़ी को कवर से हटा के चेक कर लेंगे कि सब्ज़ी कैसी हुई है, और अब इसको खुला करके ही पकाएंगे। इसमें ये पानी दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने स्टीम लिया है पहले 5 मिनट, तो इस वजह से ये पानी पानी हो गया है। जो सब्ज़ी में पानी रहता है ये पानी छोड़ ही देता है सब्ज़ी, तो अब इसको हम खुला करके ही पकाएंगे। एक बार इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और थोड़ा स्पीड तेज कर लेंगे ताकि इसका ये पानी टूट जाए, इसका पानी ख़त्म हो जाए, ये सारा जो भी इसके अंदर पानी दिख रहा है। ये देखिए खुली खुली जब पका रहे हैं सब्जी खुला करके, तो थोड़ी थोड़ी कुक होने लगी है। मैं आपको एक एक करके सब्जी बताऊंगी ताकि आपको मिक्स ना हो, और मैं क्योंकि मैं तो सब एक साथ ही कुक कर रही थी, एक कुकर चढ़ाया हुआ था, एक तरफ गैस चढ़ाया हुआ था, बट मैं 1 बाय 1 हर सब्जी दिखाऊंगी ताकि मिक्स ना हो आपका। अब ये सब्जी ऑलमोस्ट पूरी तरह से पक चुकी है। देखिए फूल गोभी भी अच्छा हो गया है, और ये सब्जी जो है यहाँ पे ऑयल छोड़ने लगी है, साइड में ऑयल दिखाई दे रहा है। जब सब्जी ऑयल छोड़ने लगी इसका मतलब सब्जी हो गई। ये अभी बर्थडे की डेकोरेशन कुछ नहीं करी है, दोनों बच्चे स्कूल गए हैं, तो अभी इस वॉल पर डेकोरेशन करेंगे। अभी पहले मैं खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और घर के लिए भी मैंने खाना बना के रख लिया। ये पोहे बनाए थे हमने हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों को भी बहुत भूख लगी थी। इसके बाद हम दाल मखनी बनाएंगे। दाल मखनी की रेसिपी के लिए मैंने रात में ही उड़द की दाल, काली पूरी वाली, और कुछ थोड़े राजमा भिगो दिए थे, तो ये अच्छे से अभी पानी एब्जॉर्ब हो गया और अच्छे से फूल गए हैं।
दाल को हम अच्छे से धो लेंगे साफ़ पानी से, और अगर जितनी क्वांटिटी होती है दाल की उसके हिसाब से हम थोड़ा 1 से 1.5 इंच ऊपर पानी का उसमें डाल देंगे। उससे क्या होगा कि कुकर में पानी निकलेगा नहीं। यहाँ पे मैंने गर्म पानी लिया है, उससे क्या है कि मुझे जल्दी आसानी होगी बनाने में, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाना है। तो मैंने गर्म पानी लिया, उसके अंदर मैं 2 चम्मच सॉल्ट डालूंगी और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डालूंगी। टर्मरिक पाउडर आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, बट मेरी पता नहीं आदत हो गई है दाल में टर्मरिक पाउडर डालने की, तो मैं डाल ही देती हूँ। इसके बाद इसमें हींग पाउडर डालेंगे। हींग पाउडर अच्छे से डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा, ताकि उसकी अच्छी स्मेल आए। दाल को मैंने गैस पे चढ़ा दिया था, उसमें 4 सीटी ले ली थी, उसके बाद इसको बंद कर दिया था। और जब ओपन करते हैं तो ये दाल पूरी पक चुकी है, राजमा भी पक गया है, बट इसका अभी स्टार्च नहीं निकला है। इसका स्टार्च निकालने के लिए इसको पानी डाल के इसको अच्छे से बहुत बॉयल करेंगे, और ऑटोमेटिकली जो है इसका स्टार्च धीरे धीरे बॉयल होने से निकलने लगेगा। ये बहुत तेज़ तेज़ बॉयल होने लग गया था क्योंकि मैं दूसरी सब्जी पे ध्यान चला गया था। तो अभी मैंने इसको देखा है, अब ये देखिए धीरे धीरे आपको लग रहा है कि पानी और दाल थोड़ा मिक्सअप होने लगा है और एक जैसा दिखने लगा है। अभी धीरे धीरे अभी इसको और 10 मिनट लगेंगे, इसको 10 मिनट के बाद हम देखेंगे तभी ये बिल्कुल एक जैसा मिक्स हो जाएगा। अब देखिए इसको 10 मिनट हो गए हैं उबलते उबलते, और ये इसका स्टार्च ऑलमोस्ट निकल चुका है, और ये दाल और पानी आपको लग रहे हैं एक जैसे क्वांटिटी हो गई, थोड़ी थिक क्वांटिटी हो गई है ऑटोमेटिकली ये बॉयल हो के। बट गैस थोड़ा मेरा बहुत ख़राब हो गया क्योंकि इतना सारी कुकिंग कर रही हूँ मैं, कुछ खाना गिर रहा है, कुछ क्या हो रहा है इस वजह से। और बस क्योंकि इतने सारे लोगों का खाना कुक करना होता है, तो कभी इस गैस पर 4 बर्नर गैस है, तो एक पे दूसरी सब्जी चढ़ रही है, तो यही। अब दाल रेडी है बॉयल होके एकदम, अब गैस बंद कर देंगे और इसका छौंक तैयार करेंगे। छौंक इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में, इसमें मैंने 4 प्याज काटे हैं बड़े वाले, और थोड़ा सा ऑयल लिया था 1 टेबल 1 टीस्पून के बराबर, उसमें प्याज डाल दिया है। प्याज में हम थोड़ा सा, ये मैंने 3 बड़ी गार्लिक ली है, और अभी मैं एक जिंजर का बड़ा टुकड़ा ले लूँगी, ये भी इसमें डाल दूँगी। इसके 3 हिस्से कर दिए थे मैंने, इससे क्या होगा कि ये तीनों चीज़ें इसी में पक जाएगी। अब ये देखिए प्याज एकदम विजिबल हो गया है, इसको मैंने कवर करके पकाया था, तो ये जब विजिबल हो जाएगा तो इसका मतलब ये थोड़ा धीरे धीरे कुक हो रहा है। इससे क्या होगा कि इस प्याज की स्मेल नहीं आएगी। अब इसमें ये 4 बड़े प्याज मैंने काट लिए हैं, 4 बड़े प्याज डाल देंगे इसके अंदर। टमाटर डाल दिए, मैं चाहो तो थोड़ा सॉल्ट डाल दूंगी, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें ताकि ये जल्दी गल जाए। इसको जल्दी गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालें बस। अब इसको ढक के आफ्टर 5 मिनट चेक करेंगे। ये जो प्याज और टमाटर की हम ग्रेवी बनाने हैं ये ऑलमोस्ट अब हो चुका है, इसको स्टीम से हमने पका लिया। अब इसको ग्राइंडर में हम पीस लेंगे। इससे क्या होता है, एक तो स्मेल नहीं आती है ऑनियन की, अगर अनियन की स्मेल आती है और गार्लिक जिंजर सभी का पेस्ट अच्छे से बन जाता है। तो ये हम अनियन और प्याज का जो हमने अब पेस्ट बना लेंगे, इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है और थिक बनती है। अब ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे, ये कढ़ाई वही है जिसमें हमने अभी स्टीम किया था प्याज और टमाटर को। अब इसमें 1/2 चम्मच ऑयल डालेंगे, इससे पहले ऑयल डाल देंगे ताकि इसमें जब हम बटर डालेंगे तो वो जले नहीं। अब 2 बड़े स्पून इसमें बटर डाल देंगे। बाद में मुझे लगा कि बटर कम है तो मैंने 1/2 चम्मच बटर और डाला था, उससे क्या होता है कि क्रीम अच्छी बनती है। अब ये प्याज टमाटर जो हमने पीस लिया था इसको हम इसमें डाल देंगे कढ़ाई में, और इसको कवर करके हम 10 मिनट बाद पकाएंगे, और 10 मिनट बाद हम देखेंगे तब इसमें तेल थोड़ा सा ऊपर आने लगा है, बट अभी भी अच्छे तरह से ये कुक नहीं हुआ है। इसको अभी 10 से 15 मिनट और लगेगा, जब इसका पानी एकदम से सूख जाएगा और सिर्फ प्याज टमाटर की अच्छी थिक ग्रेवी बनी रहेगी। ये देखिए 10 से 20 मिनट बाद ये प्याज टमाटर की ग्रेवी कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ये अच्छी थिक हो गई है, बट अभी इसको 5 मिनट और लगेंगे। आफ्टर 5 मिनट हम देखेंगे ये एकदम से ड्राई हो गया है और अभी इसकी सही कंसिस्टेंसी है। अब इसमें रेड चिली पाउडर, थोड़ा टर्मरिक पाउडर ये डाल देंगे। ये अभी प्याज टमाटर की ग्रेवी थी, मैं टर्मरिक कम डाल रही हूँ क्योंकि मैंने उसको बॉयल करते समय उसमें टर्मरिक पाउडर डाल दिया था, और जब ये मसाला कुक हो जाए तो इसमें जो बॉयल की हमने दाल थी वो हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पे हमारी दाल मखनी रेडी हो गई है। अब दाल मखनी के लिए हमें मक्खन डालना है, इसका मतलब क्रीम डालना है हमें, तो हम ये हैवी क्रीम यूज़ करेंगे, जो व्हिपिंग हैवी क्रीम है ये मेरे पास है अभी भी अवेलेबल, तो इसे हम डाल देंगे। बट इसके लिए जब दाल एकदम बॉयल हो जाए और थोड़ी हाई हीट पर हम इसको क्रीम डालना शुरू करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके क्रीम डालेंगे और फिर मिक्स करते जाएंगे, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और एक क्रीमी टेक्सचर बन जाता है इसका, और इसका टेस्ट भी बहुत उठ के आता है। अब हमारी दाल मखनी बनके एकदम रेडी है और हम गैस को अभी थोड़ा हीट पे किया है जब तक ये क्रीम इसके अंदर मेल्ट ना हो जाए। अदरवाइज़ कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्रीम जब डालते हैं तो उसका टेक्स्चर बिगड़ जाता है, इसलिए हम एकदम हाई हीट पर इसको क्रीम को डालेंगे धीरे धीरे करके और थोड़ा मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो गैस बंद कर देंगे। आप चाहे तो इसमें ऊपर से कसूरी मेथी या फिर गरम मसाला डाल सकते हैं, बट अभी मैंने कुछ नहीं डाला है, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो ये बनके दाल मखनी बनके एकदम रेडी है। दाल मखनी बनाने के बाद मैंने कढ़ी बनानी थी, तो कढ़ी के लिए मैंने दही और बेसन को मिक्स कर लिया है। दही को मैंने अच्छे से छान लिया था ताकि उसमें लम्स ना रहे। अब इसका छौंक लगाएंगे, उसके लिए एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालने के बाद उसमें करी लीव्स, मेथी दाना, जीरा पत्ती, खड़ी लाल मिर्च और कुछ करी लीव्स डालेंगे, उससे टेस्ट अच्छा आता है, और हींग जरूर डालना है। उसके बाद इसको मिक्स करते रहेंगे जब तक इसमें बॉयल ना हो जाए। बॉयल ना आएगा और इसको छोड़ देंगे आप तो ये फटने का डर रहता है दही का, इसलिए इसको बस बॉयल आने तक इसको छोड़ दें। उसके बाद इसको आप 2 to 5 मिनट बाद इसको चेक कर सकते हैं। इसमें सॉल्ट डाल दिया है, अभी अपने आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बॉयल होती रहेगी। कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है अगर अच्छा से छौंक लगाया जाए तो। बस मुनमुन के बर्थडे के लिए जो मैंने डिनर प्लान किया था उसमें एक मिक्स वेजिटेबल, एक कढ़ी और एक दाल मखनी की रेसिपी है। तो मुझे लगता है कि अब मेरी कढ़ी यहाँ पे ऑलमोस्ट बन चुकी है। आप इसमें चाहें तो ऊपर से धनिया पत्ती डाल सकते हैं। हाँ, मैंने इसके लिए पकौड़ी बनाई है, मैंने पालक की पकौड़ियाँ बनाई हैं, ताकि पार्टी है तो थोड़ा टेस्ट देना अच्छा लगता है, उससे अच्छा टेस्ट आता पालक की पकौड़ी का। वो मैंने बना के रख दी थी पहले से ही। आप इसमें जब ये बॉयल हो गया तो इसमें डाल के कवर करके आप 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिए, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और बस मुनमुन के बर्थडे की मैंने यही डेकोरेशन की थी, और मेरी तीनों सब्जियां जो मैंने बनाई थी वो तैयार हो गई है। अब बाकी रेसिपी मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। बाय बाय।